फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप लोग का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों के सामने गाइज बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं गाइज। कटपत्ता की गेम गाइज बिना चीटिंग के आप लोग जीतोगे, इसमें आसानी से गाइज, बहुत ही ईजी। तो दोस्तों, कैसे जीतोगे गाइज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। बीच में थोड़ा भी इसमें स्किप मत करना गाइज, नहीं तो स्किप करेंगे तो गाइज आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, कैसे बताया। तो इसको गाइज शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपको ट्रिक समझ में आ जाए कि मैं आपको इसमें क्या क्या बताया हूँ। तो गाइज देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना चीटिंग कि आप लोग इसमें जीतोगे, बिना किसी को धोखा दिए इसमें जीतोगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ गाइज। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे आप लोगों से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देख रहा डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन हो लिखा होगा गाइज, उसको दबा कर ऑन कर लीजिए, और बगल में घंटे का सिंबल आएगा उसको भी दबा कर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगर न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को शेयर बटन में क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर गाइज। आप लोग शेयर तो करते नहीं हो गाइज, लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इसका गाइज आप लोग को डेमो दिखाऊंगा, एक दो बार आपको डेमो दिखाऊंगा, इसके बाद आपको मैं इसका ट्रिक समझाऊंगा गाइज कैसे इसमें आप लोगों को करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ट्रिक की ओर ले कर चलूँगा। तो जैसे कि मान लीजिए आप इससे मान लीजिए यहाँ पर फेंट रहे हो, और सामने वाला यहाँ पर दिया, जैसे कि यहाँ पर सामने वाला दिया कि तुम फेंटो मतलब काटो तो किसी भी तरह से काट सकता है। तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ गाइज। तो जैसे कि मान लीजिए काटा, तो किसी कहीं से भी काट लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसको मान लीजिए कोई काट लिया, काटा काटने के बाद यहाँ पर पत्ती रख दिया, यहाँ पर देख सकते हैं एक बिगी है गाइज, दो बिग यहाँ पर काटा है, तो काट के रख दिया बगल में गाइज। तो ये देखो गाइज, ये गेम होता है गाइज 100% में 100% नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ गाइज, ये 80% आप जीत रहे हो, 20% बाहर का गेम जा रहा है। तो अभी चलिए मैं इसका डेमो दिखा रहा हूँ, देखिए अभी मतलब 80% मैं जीत रहा हूँ, 20% सामने बंदा जीत रहा है। तो चलिए इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दोनों तरफ बांट के गाइज। तो जैसे हो जाएगा फिर मैं आपको फिर टिक बताऊँगा इसका। तो जैसे ही गाइज आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर गाइज मैं बता रहा कि 80% मैं जीत रहा था, 20% ही गेम बाहर जा रहा था गाइज। तो यह था इसका डेमो। तो चलिए गाइज, इस ट्रिक को कैसे करते हैं अभी मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइज चलिए फिर से मैं इसको फेंट लाऊँ, जिससे कि मान लीजिए देखिए गाइज, आपको मैं अब चलता हूँ गाइज ट्रिक को कैसे इस ट्रिक को करना है। तो गाइज जब आप जीतोगे एक बार, जिससे मान लीजिए एक बार जीता तो इसको इस कार्ड को फिर से फेंट के गाइज आपको फरी मारना है। ये नहीं कि मान लीजिए बस ऐसे फेंटा, आप किसी को सामने दे दिया कि ऐसे काट लो, ऐसे काटेंगे तो वो आपका गेम आपके हाथ से चला जाएगा। ये होता क्या है गाइज, जिसके में पत्ती इधर फेंका, अंदर बार फेंका, तो वो पत्ती होता क्या, एक के बाद एक ऐसे सेट हो जाती है, मतलब एक पत्ती है फिर आगे मान लीजिए वो पंजाई है, तो ये बीच में दूसरा पत्ती सेट होगा। जब भी गिरेगा पत्ती गाइज, वो बाहर से फिर अंदर 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 मतलब बाहर फेंक देंगे एक पत्ती, दूसरा पत्ती अंदर गया, फिर तीसरा पत्ती बाहर जाएगा। तो ऐसे में चांस होता है गाइज बहुत ज़्यादा कि वो पत्ती बाहर ही गिरता है। तो आप लोग मैं रिक्वेस्ट करना, अगर आप लोग को नहीं आता है फरी मार, तो फरी मारने सीख जाइए। तो देखिए अगर जैसे मैं जीता इस गेम को, तो जीतने के बाद देखिए इसको मैं एक बार फिर से फरी मार रहा हूँ। तो इसको फरी मारने के गए, देखिए यहाँ पैसे मैं पकड़ लिया और इसको फरी मार दिया, इसको फरी मारा। तो अब देखिए गाइज, अब वो ट्रिक मैं बताऊँ कैसे मैं इसमें किया था। तो देखो इसको अच्छी तरह से फेंट दिया, फेंटने के बाद आपको करना क्या है गाइज, जैसे देखो गाइज ये नीचे से एक पत्ता है, एक पत्ता खींचना है इसको, एक पत्ता खींचने के बाद इसको देखिए गाइज इसको ऊपर रखना है, ऊपर रखने के बाद एक पत्ता और दो पत्ता सिर्फ खींचने गाइज, क्योंकि दोस्तों एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ अंदर लाने के लिए पत्ती, दो पत्ता खींचा फिर इसको मैं इसको फेंट दिया। जैसे ही मान लीजिए इसको फेंटा, फिर से गाइज एक पत्ता और खींचना है, यहाँ पर देखो दो पत्ता मतलब जल्दी जल्दी से ऐसा खींचना है और फिर से फेंट देना है, फिर से मतलब तीन बार ये चीज़ आपको करना है गाइज। देखिए दोस्तों आपको मैं बता दिखा दिया, तीन बार किया और ऐसे इसको दे दिया। तो जैसे दिया तो आपको मैं देखिए गाइज ये हो
सामने को दिया कि तुम काट लो, तो कैसे वो मतलब किसी भी तरह से काट सकता है। एक दो बार मान लीजिए वो फेंट भी देगा, तो जैसे कि मान लीजिए फेंटा, फेंटने के बाद कहीं से भी काट ले कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये तीर बदर काट लिया, कोई पता कहीं से मिला कर रख लेगा, और मतलब कोई देख कर बदल नहीं देता कहीं, देखिए यहाँ पर 9 कटा है। तो 80% में जितना 20% गेम बाहर जा रहा है। तो वो आपको मैं देखा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 3 पत्ती है, तो 3 पत्ती में नहला वो मतलब 9 मरवा रहा है। तो आपको मैं बता दूँगा देखिए ये मतलब 80% में जितना 20% गेम बाहर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं बिना चीटिंग के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लो गई ये 8 है, 1 का, तो इससे मतलब फेंटते जाएंगे, जिधर पत्ती जाता है वो जीतेगा। तब मैं आपको बताया था गाइस स्टिक से करने पर, गाइस देखो वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं है, यहाँ पर 9 अंदर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको जीत चुका हूँ, मतलब 20% बाहर मतलब पत्ती जा रहा था, वो 80% अंदर आ रहा था। तो इस तरह से करके गाइस आप लोग जीत सकते हैं आसान से, इजीली। और गाइस मैं आपको बता दूँ गाइस कि देखो इस मतलब ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही घटिया कमेंट कर रहे हैं गाइस मुझे, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है गाइस। मैं आप लोग से क्या कहूँ, आप लोग भी समझ लो। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक काटा अंदर पत्ती आया, फिर अगर मान लो मैं जीता आपको मैं बताते गाइस जितने बजे तो उतने आपको फ्री मारना होगा। अगर फ्री नहीं मारते हैं तो गेम आपका आपके हाथ से मतलब चल जाएगा, आप मतलब हार जाओगे कट पता गेम में। तो देखो ऐसे ऐसे मान लीजिए मारा, इसको ऐसे पकड़ा, फिर इसको फ्री मार दिया, ऐसा फ्री मारने गए। तो अब फ्री मारने के बाद फिर से एक बार इसको फेंट देते हैं। फेंटने के बाद अब देखो गाइस आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस पत्ती को यहाँ देखना है, एक पत्ती है, एक पत्ती देख लो यहाँ पर एक पत्ती है, इसको ऊपर में ऐसे रखना है, 2 पत्ती नीचे से निकाल निकाल के यहाँ पर ऐसे रख देना है, और फिर से इसको एक बार दो बार फेंट देना। ये आपको ये ट्रिक आपको स्पीड में करना है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करना है जिससे कि लोग कहें कि कुछ पत्ती मिला रहा है। फिर देखें यहाँ पर 1 2, फिर से ऐसे फेंट दीजिए, फिर से नीचे से काटिए, फिर 1 2, फिर काटने के बाद अब इसको यहाँ से फेंट दीजिए गाइस। जैसे कि मान ली फेंटा, अब सामने का बंदा दिया, वो बोला कि तो भैया तो एक पत्ती उठाया, बोला कि तीगी मार दो। तो अब तीगी देखिए गाइस ये 80% अंदर है, 20% बाहर है, ये गाइस 100% गेम नहीं होता कि आप ही जीतोगे 100 बार। ये टीग है, ये पत्ती कटने के ऊपर है गाइस कैसे फेंटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीगी कटा है, तीगी कटने के बाद अब जैसे ही मान लीजिए इसको मैं फेंटता हूँ मतलब बांटता हूँ इधर दोनों तरफ, तो यहाँ पर देखो गाइस तीनों गेम है, तीनों बार मैं ही जीता हूँ। ये पत्ती देखिए, एक पत्ती काटा या 3 पत्ती काटे कोई दिक्कत नहीं, किधर ही काटे वो पत्ती आपके अंदर ही मतलब आएगा। तो जैसे मान लीजिए फिर जीत गया मैं, जीता जीतने के बाद इस पत्ती को यहाँ से लगा दीजिए, ऐसे इस टिकी को इधर अलग रखिए, ऐसे इस साइड में इसको फेंट दीजिए। फेंटने के बाद आप लोगों को फिर करना कुछ नहीं, फिर से एक बार फिर से इसको फरी ऐसे मार दीजिए दोस्तों। इस तरह से फरी मारने के बाद ऐसे आपको मार दीजिए, फिर से बटवा दीजिए उसी तरह से। एक बार आप फिर से डेमो दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं देखिए वो ट्रिक बताया था गाइस कि ट्रिक आपको कैसे करना है। आपको देखिए गाइस मैं इस पत्ती को मैं नहीं लगा रहा हूँ, बस नॉर्मल से ऐसे बटवा रहा हूँ, ऐसे मैं मान लीजिए बटवाया इसे रख दिया। इसको रखने के बाद होता क्या है, जिससे सामने बंदा उठा के ऐसे काट दिया, इस तरह से काटा गेम, ऐसे काट के मान लीजिए रख दिया। तो ये गाइस अब इस गेम का नियम है गाइस कि 50% आप जीतोगे, 50% वो जीत रहा है, तो पत्ती किधर जाएगा 50-50 दोनों का चांस है गाइस। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चलिए एक बार फिर से देख ले आप लोग, ये तो बोलोगे कि मैंने मतलब टिक को पूरा शुरू से लेकर एंड तक बताया नहीं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मतलब अंदर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि 100% वर्क है मतलब करता है गाइस। तो मैं आपको बता दें 50-50 के चांस है, तो इसको यहाँ पर देख लो किधर जा रहा है पत्ती, जिधर जाएगा वो यहाँ पर देखिएगा। जब मैं बताया था कि 50-50 मैंने उठा काट लेता है, मैं इसको अंदर पत्ती आप ही लगाया नहीं था, जिससे कि लगाता तो मैं पत्ती अंदर ही आता था, यहाँ पर देखते पत्ती बाहर जा चुका है बिना लगाए। इसे नॉर्मल लोग खेलते हैं, नॉर्मल की तरह मैं इसमें अभी फेंटा था और बांटा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामने आप लोग का रिजल्ट है, ये पत्ती बाहर जा चुका है गाइज। तो इस तरह से आप लोग काटना है और खेलना है गाइज। तो गाइज मैं ऐसा करता हूँ, कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और नीचे देखना अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा उसको दबा कर ऑन कर लो, किसी भी तरह से मतलब सब्सक्राइब कर लो, तो जैसे कि आप लोग आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज तो फिर
मिलूंगा दोस्तों आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बी केयरफुल दोस्तों, आप लोग को भी ऐसे जीतते रहें, खेलते रहें जुआ गाइस। और दोस्तों मेरा शुभकामना आप लोग के साथ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।